तो स्वागत है आपका एक बार फिर से कार टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हुंडई वेन्यू जो कि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो लॉन्च होने वाली है 21 मई को इंडिया में। तो वो कम्पीट करेगी टाटा नेक्सन से। तो आज हम आपको बताएंगे कि टाटा नेक्सन से हुंडई वेन्यू कैसे अलग है, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो टाटा नेक्सन में आपको मिलेंगे और हुंडई वेन्यू में नहीं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हुंडई वेन्यू को अलग करते हैं टाटा नेक्सन से। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ आपको दोनों एसयूवीज में एक साइज़ के ही मिलेंगे, 16 इंचेस के। दोस्तों, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ आपको 1 mm सिर्फ ज़्यादा मिलेगी वेन्यू की। बाकी अगर वेल्थ और हाइट की बात करें तो वो उसके मामले में टाटा नेक्सन से वेन्यू की हाइट भी कम है और वेल्थ भी कम है। अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस सिर्फ 2 mm ही ज़्यादा है हुंडई वेन्यू का टाटा नेक्सन से। तो तकरीबन सेम ही है, थोड़ा 2 mm का ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोस्तों, अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में आपको हुंडई वेन्यू में 3 इंजन मिलेंगे। एक मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 83 PS की पावर देगा। दूसरा आपको मिलेगा 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन जो कि 120 PS की पावर देगा। तीसरा आपको मिलेगा 1.4 लीटर डीजल इंजन जो कि 90 PS की पावर देगा। वहीं अगर हम नेक्सन की बात करें तो नेक्सन में सिर्फ 2 इंजन ही आते हैं। एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 110 PS की पावर देता है, दूसरा 1.4 लीटर डीजल इंजन, वो भी 110 PS की पावर से ही ट्यून किया हुआ है। तो दोस्तों, इंजन वाइज आपको वेन्यू में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नेक्सन। तो इंजन वाइज अगर हम प्राइस कंपेयर करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो वेन्यू का बताया जा रहा है वो 8 लाख से शुरू होगा। तो 8 लाख से शुरू होकर 12.5 लाख तक जाएगा, वो पेट्रोल से, चाहे पेट्रोल का हो चाहे टर्बो चार्ज पेट्रोल का हो। टर्बो चार्ज का हो सकता है 9.5 लाख एक्स शोरूम से शुरू होकर 12 लाख तक जाए। और टाटा नेक्सन की बात करें तो इसमें प्राइस के मामले में टाटा नेक्सन बाजी मार जाता है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल इंजन का प्राइस स्टार्ट होता है 6,36,000 एक्स शोरूम से, और टॉप मॉडल जो कि ऑटोमेटिक है उसमें 9,62,000 तक इसका प्राइस जाता है। वहीं अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन 7,40,000 से शुरू होता है टाटा नेक्सन का, और 10,06,000 तक जाता है। इतने प्राइस में आपको टाटा नेक्सन मिल जाती है एक्स शोरूम प्राइस। तो अब हम कुछ ऐसे डिफरेंसेस की बात करते हैं जो दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि अगर टाटा नेक्सन की बात करें तो टाटा नेक्सन की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हुंडई वेन्यू। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें तो टाटा नेक्सन में आपको हरमन कार्डन के 8 स्पीकर मिलेंगे जिससे कि आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर म्यूज़िक सिस्टम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप टाटा नेक्सन खरीदते हैं। तीसरा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये वो है कि इसमें आपको अलग अलग ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं टाटा नेक्सन में। इसके अलावा आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। टाटा नेक्सन का कैबिन स्पेस भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेन्यू। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो आपको टाटा नेक्सन में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हुंडई वेन्यू की। तो वेन्यू में सबसे अच्छा जो फीचर है जो कि इंडिया में बहुत लोग पसंद करते हैं वो है सनरूफ। सनरूफ के फैन इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसमें आपको सनरूफ का भी फीचर मिल जाएगा। दूसरा जो है, जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, वो है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी। इसमें आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है जिससे कि आप कई चीज़ें अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप। इसके अलावा और भी कई चीज़ें, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियोस देख सकते हैं। इसमें अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। अगर नेक्सन की बात करें तो नेक्सन में 6.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अगर और फीचर्स की बात करें तो छोटे छोटे और भी कई फीचर्स हैं, जैसे कि इसकी सीट्स जो हैं वो भी लेदर फिनिश्ड है।
वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हुंडई वेन्यू को टाटा नेक्सन से अलग करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।